लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर मतगणना के बीच में ही मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मामला सीहोर जिले का है, जहां मतगणना स्थल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर मौजूद थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, इसके बाद वहां आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भी लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। मौत होने का मुख्य कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इस खबर के बाद जिला कांग्रेस में शोक की लहर है। सीएमओ ने रतन सिंह की मौत पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर के मतगणना के दौरान निधन का समाचार बेहद दुखद है। एक ऊर्जावान, मेहनती, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में व पीछे परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।